गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 4th अगस्त। सब्जेक्ट इज ओरल। आज हम ओरल में क्या पढ़ेंगे? माय स्कूल। ओके, आप अपने आपको अभी कोरोना के कारण आप अभी घर पे हैं, नहीं तो आप एवरीडे स्कूल आते हैं। तो सभी को अपने स्कूल का नाम तो याद है ना, कि भूल गए आप लोग? हमारे स्कूल का नाम क्या है? लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? माय स्कूल नेम इज लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, आई स्टडी सीनियर केजी क्लास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो स्कूल में? सीनियर केजी में। ओके, तो आज हम ओरल सब्जेक्ट करेंगे। ओरल में हम माय स्कूल, हमारे हम अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। हम स्कूल कौन से स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब हम अपनी क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में कौन कौन मिलता है हमको, हमारे क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है माय स्कूल। ओके, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? माय स्कूल नेम इज़ लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, विच स्कूल डू यू गो टू, तो आप क्या बोलोगे? आई गो टू लिटिल बर्ड स्कूल। आप कौन से, आपसे पूछा जाएगा आप कौन से स्कूल में जाते हो, कोई भी आपको रास्ते में पूछ सकता है आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे अपने स्कूल का नाम? लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, क्या पूछा जाएगा आपको? विच स्कूल डू यू गो टू, आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे? आई गो टू लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विच स्टैंडर्ड आर यू इन, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो आई स्टडी इन सीनियर केजी क्लास। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज योर टीचर्स नेम, क्लास टीचर नेम। आपको, आप जब स्कूल में आते हो तो आपको सबसे पहले कौन मिलती है? आपकी क्लास टीचर मिलती है। ओके, तो आप क्लास स्कूल में आके सबसे पहले आप अपनी क्लास टीचर को क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो। क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। ओके, तो आपको सबको पता होना चाहिए अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल के डायरेक्टर मैडम का नाम, प्रिंसिपल मैडम सर का नाम। ओके, तो मैं आज आपको सब बताऊँगी। ओके, तो व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, बोलेगा माय क्लास टीचर नेम इज राकेश मैडम। कौन सा आपकी क्लास टीचर मैडम का क्या नाम है? राकेश मैडम। व्हाट इज योर नेम ऑफ डायरेक्टर मैम, तो आपकी डायरेक्टर मैम का नाम क्या है? हेमा मैडम। क्या नाम है? हेमा मैडम। ओके, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, तो आपके प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? रवि सर। ओके, व्हाट इज योर सुपरवाइजर मैम, तो वंदना मैम। ओके, आप स्कूल में आते हो आपको सभी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपकी क्लास टीचर मैम का नाम क्या है? राखी मैडम। आपकी डायरेक्टर मैम का नाम क्या है? हेमा मैम। आपके प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? रवि सर। आपके सुपरवाइजर मैम का नाम क्या है? वंदना मैम। अभी आप छोटे हैं तो इसलिए आप केवल क्लास टीचर का नाम ही लर्न करिए। फिर आता है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास, आप पूछा जाए आपकी क्लास में, सीनियर के जी क्लास में आपके साथ के जो दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं। तो अगर आपको उनके आप साइड में मैडम देखती थी ना आपको कि प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, टोटल इतने हैं, तो आप उनके स्ट्रेंथ को बता सके, मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं या 32 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं। तो कैसे बचाओगे? देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ओके, फिर आता है व्हाट डू यू सी इन योर क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम में क्या देखते हो, तो क्लासरूम में आपको क्या दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, बेंच दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, तो आप अपने क्या दिखाई देता है वो आपको बताना होगा कि आई सी ब्लैक बोर्ड, टीचर, स्टूडेंट्स, वाटर बोतल, चॉक, डस्टर, एवरीथिंग। ओके, समझ में आया? तो हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक? माय स्कूल। माय स्कूल में हम जब स्कूल में आते हैं तो हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। मैं एक एक करके बताऊंगी, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे बोलिए माय स्कूल नेम इज लिटिल बर्ड स्कूल।
माय क्लास टीचर नेम इज राखी मैम. ओके आई स्टडी इन सीनियर केजी क्लास. आई स्टडी इन सीनियर केजी क्लास. ओके अब आप क्लास में आ गए तो आपको क्लास में सबसे पहले क्या मिलेगी? टीचर. कौन मिलेगी आपको? टीचर. ओके आप क्लासरूम में किसको देखते हो? सबसे पहले टीचर को. फिर आपको क्लास में क्या दिखाई देता है? ये ब्लैक बोर्ड. क्या दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड. फिर टीचर के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने एक टेबल रहती है जिसमें आप अपना सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू नोटबुक रखते हैं. वो टेबल होती है और एक चेयर होती है जिसमें मैडम आपको, आप जब सी डब्ल्यू कंप्लीट कर देते हो तो टीचर करेक्शन करती है. तो उस टीचर के पास क्या होगी? चेयर भी होती है हमारे क्लास में. ओके और सबसे पहले हमारे स्कूल में आए, कौन से? लिटिल बर्ड स्कूल में. फिर आप अपनी सीनियर केजी क्लास में गए. कहाँ पे गए? सीनियर केजी क्लास में. सीनियर केजी क्लास में आपको कौन मिला? आपकी क्लास टीचर मैडम मिली. कौन मिला? क्लास टीचर मिली. क्लास टीचर के साथ आपने क्लासरूम में क्या क्या देखा? ब्लैक बोर्ड. सबसे पहले क्या देखा आपने? ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड के साथ टेबल रखी रहती है जिसमें हम अपनी होमवर्क नोटबुक रखते हैं. टेबल होती है, चेयर होती है और जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की, वो बुक आप टेबल पर रखते हो. तो हमारे टेबल के ऊपर क्या होती है? बुक्स भी होती हैं. और क्लासरूम में क्या होती है? चौक. टीचर चौक, यहाँ पे आपको मैंने लिखा है, ये किससे लिखा है? चौक से लिखा है. ओके तो क्लास में क्या होती है? चौक होती है. जब हमको दूसरा क्वेश्चन लिखना होता है और हमारा ब्लैक बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो हम किसका यूज करते हैं? डस्टर का. किसका यूज करते हैं? डस्टर का. ओके और क्लास में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स. क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स. ओके और क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस में बैठते हैं? बेंचेस पे बैठते हैं. किस पे बैठते हैं? बेंच पे बैठते हैं. ओके और सभी स्टूडेंट के पास जब आप स्कूल बैग होता है, सबके पास क्या होता है? स्कूल बैग होता है. आप जब स्कूल आते हैं तो कैसे आते हैं? ऐसे तो नहीं आते हो, मॉर्निंग में पहले आप उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, एकदम नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हो, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, बालों में कॉम, हेयर ऑयल सब करके आप आते हो स्कूल में. ओके और क्लीन और शूज़ में पॉलिश होनी चाहिए, आई कार्ड कंपल्सरी होना चाहिए. और उसके बाद जब आप स्कूल बैग लेते हैं तो स्कूल बैग में होमवर्क किया करके ही अपनी बुक्स को रखना चाहिए. अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आप सीनियर के जी में आते हो तो डेली आपको नहीं इंग्लिश, मैथ, जीके, ओरल ये सब सब्जेक्ट होते हैं तो हम सारे ही भर के लिए आते हैं. हम आपको टीचर आपको एक टाइम टेबल देती है कि मंडे को आप मैथ्स इंग्लिश पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम जीके और ओरल करेंगे. इस तरह से आप स्कूल बैग में हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल लेके आते हैं. ठीक है और उसमें हम पेंसिल बॉक्स लेते हैं. अगर पेंसिल बॉक्स नहीं लेके आएंगे तो हम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्कूल बैग में ये सब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखते हैं. उसके बाद हम पेंसिल बॉक्स में क्या रखते हैं? टू पेंसिल, वन इरेजर, शार्पनर और रूलर. रूलर यानी स्केल. कभी कभी हमको लाइन खींचने के लिए रूलर की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे पेंसिल बॉक्स में रूलर भी होना जरूरी है. ओके तो स्कूल बैग में हम क्या रखते हैं? नोटबुक्स, बुक्स, लंच बॉक्स. ओके लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और वाटर बॉटल ये हम स्कूल बैग में रख के तब हम स्कूल आते हैं. ओके और पेंसिल बॉक्स के अंदर हमारे क्या होती है? टू पेंसिल और विथ शार्पनर. आपकी पेंसिल शार्पनर होने चाहिए. कई बच्चे क्या करते हैं जब लिखने का टाइम आता है तो बोलते हैं टीचर पेंसिल टूट गई है. तो जब आप लिखने का टाइम आता है तो अपनी पेंसिल बॉक्स को सामने रखिए, उसमें मिनिमम टू पेंसिल शार्पनर होनी चाहिए. टू पेंसिल विथ शार्पनर, वन इरेजर. और इरेजर काला नहीं होना चाहिए, एकदम वाइट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. हमको अपनी चीज़ों की केयर खुद करनी है. हमारा इरेजर एकदम नीट एंड क्लीन रहे, कोई हमारा स्टूडेंट या कोई हमारा फ्रेंड
लेकिन उसको काला ना कर दे, वो भी आपको ध्यान रखना है। रूलर स्केल मैच जब करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, मैच द लेटर या मैच द नंबर्स करते हैं, तो हम अच्छी ऐसे टेढ़ी लाइन बना देते हैं, वो गंदी लगती है। हम रूलर से सही लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो हम उस टाइम रूलर का यूज़ करते हैं। स्कूल बैग हो गया, बेंच पेंसिल इरेजर हो गया, रूलर हो गया। थर्ड इन आता है वाटर बोतल। स्कूल हम जब आते हैं तो हम अपने साथ में पानी की बोतल लेके आते हैं, ओके, ताकि जब हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर हमको प्यास लग जाती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, वाटर बोतल का, ओके। नेक्स्ट डस्टबिन। क्लासरूम में हमेशा डस्टबिन होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको कभी शॉप ना करना हो या आपका पेज खराब हो तो आप पुट ऑन द डस्टबिन। आप अपने पेज को जो पेज जो खराब पेज हो गया उसको हम किस में डाल देते हैं, डस्टबिन में। और जो इरेज शॉपनर करते हैं उसको भी हम किस में यूज करते हैं, डस्टबिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज चार्ट्स। चार्ट्स पेपर, जैसे हमने मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले क्लास के साइड में मैथ्स का चार्ट पेपर 1 to 100 या 1 to 50 हमको लर्न करना है तो हम उस चार्ट पेपर को लगा देंगे। इंग्लिश करते हैं तो चार्ट्स का यूज़ पे, अभी मैंने जब वीडियो में इंग्लिश पढ़ाती थी तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का चार्ट पेपर लगाया, हिंदी पढ़ाया तो हिंदी के चार्ट पेपर लगाया। इसी तरह से आपको चार्ट्स जरूरी यूज़ करना चाहिए। चार्ट्स में पिक्चर्स होती है, ओके, तो उसके थ्रू आपको जल्दी लर्न होता है। तो ये हमारा क्या है, माय स्कूल। हम जब क्लास स्कूल आते हैं उसमें क्लास होती है, क्लास में हमको ये इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे स्कूल का नाम क्या है, माय स्कूल नेम इज लिटिल बर्ड स्कूल, ओके। मेरे स्कूल का नाम लिटिल बर्ड स्कूल है। माय क्लास टीचर नेम इज राखी मैम। माय डायरेक्टर नेम इज हेमा मैम। माय प्रिंसिपल सर नेम इज रवि सर। माय सुपरवाइजर मैम इज वंदना मैम, ओके। और आई स्टडी सीनियर केजी क्लास। और आपको स्ट्रेंथ अपनी क्लास की मालूम है कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो देयर आर 32 स्टूडेंट इन माय क्लास, ओके। और आप जब क्लास में आते हो तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी क्लास को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कभी भी आप जो जिस बेंच में आप बैठते हो उस बेंच में बैठ के उसको पेंसिल से या कलर से उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। कई बच्चे पेंसिल से और उससे लिटी करते हैं, अपनी क्लास की बेंचेस को कभी गंदा नहीं करते हैं। और हमेशा ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि आपको टीचर जो भी कराए आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ओके। तो यार हमें स्कूल पढ़ा, स्कूल में हमको क्या सबसे पहले मिली, टीचर। टीचर के बारे में क्या देखा क्लास में, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बुक। हम बुक्स पढ़ते हैं ना, बिना बुक्स पढ़े तो हम स्कूल नहीं आएंगे। हमारे एवरी सैटरडे हाफ डे होता था तो हमारे क्या होता था, वो हमारा एक्टिविटी पीरियड होता था, ओके। अभी जब आप स्कूल आने लग जाओगे तो फिर से मैं आपका एक्टिविटी पीरियड लूँगी। क्लास में आप क्या देखते हो, बुक, चॉक, चॉक से टीचर लिखती है, चॉक, डस्टर, स्टूडेंट, बेंच, पेंसिल, इरेजर। जिस बेंच आपको स्टूडेंट को जिसमें टीचर बिठाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंच, ओके। और फिर स्कूल बैग, स्कूल बैग में हम क्या क्या रख के लाते हैं, अपनी बुक, नोटबुक, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, ओके। ये हम किस में लाते हैं, स्कूल बैग। और स्कूल बैग भी हमारा बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, स्कूल बैग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। आपको टीचर पहले ही दिन आपको टाइम टेबल दे देती है, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोज स्कूल बैग लेके आने का है, जमा के लेके आने का है। और कभी भी होमवर्क मिस नहीं करने का है, एवरीडे होमवर्क करके लाइए। और कहाँ पे रख देना है, टेबल पर। आपको टीचर करेक्शन करके आपको दे दिया करेगी, आप उसको फिर लर्न बाय हार्ट करिएगा। उसके बाद होता है पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, 2 pencils, 1 eraser, 1 sharpener और 1 ruler। रूलर यानी स्केल। जब आप मैथ्स में या इंग्लिश में या हिंदी में अपने सब्जेक्ट में कभी भी मैच का फॉलोइंग करते हैं या अच्छी तरह से लिखने के लिए आपको चाहिए होता है तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रूलर का। किसका यूज़ करते हैं, रूलर का, ओके।
फिर आता है वाटर बोतल। वाटर बोतल तो जब हम पानी पीते हैं, हमको पढ़ाई करते करते हम थक जाते हैं, हमको प्यास लग जाती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं वाटर बोतल का। ओके, लंच बॉक्स भी हम लेके आते हैं स्कूल में। फिर आता है डस्टबिन, हमारे क्लास में कंपलसरी डस्टबिन होना चाहिए। चार्ट्स, चार्ट्स पेपर जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमको TLM यूज़ करना चाहिए। चार सम लगा रहेगा तो आप लोग फटाफट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये फटाफट लर्न कर सकते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज माय स्कूल, तो सबको याद हो गया। पहले अपने स्कूल का नाम याद करिए, माय स्कूल इज लिटिल बर्ड स्कूल, आई गो टू लिटिल बर्ड स्कूल। ओके, फिर आप उस क्लास रूम में आप क्या क्या देखते हैं वो सब चीज़ इसको लर्न बाय हार्ट करिए। और ये आपकी लास्ट ईयर की जीके बुक है, जीके बुक में आपको माय स्कूल टॉपिक लिखा होगा, आप उसको देख के रिवाइज करिए। अभी आपको सिर्फ ओरली करना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।